हम देख रहे हैं कि महंगाई के चैलेंज को जो है टैकल करने के लिए वजीर आजम हर किस्म की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, और अब उन्होंने महंगाई में कमी के लिए जो होर्डर्स हैं, जखीरा अंदोजों हैं और जो नाजायज मुनाफा खोर हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है, और जो फाइनल कार्रवाई है अब उस फेज में एंटर होता हुआ नजर आ रहा है। पीएम का जो मूड है, उन्होंने जो अशियाए जरूरियात हैं उनकी प्राइसेस में 20% तक कमी लाने की सख्त हिदायत की हैं, और वो कह रहे हैं कि किसी सूरत भी जखीरा अंदोजों को नहीं छोड़ेंगे। अब वजीर आजम ने जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है उसका सेशन भी फौरी बुलाने की इंस्ट्रक्शंस दी हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 6 महीनों से जो है इस प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का सेशन नहीं किया गया था, और अब जो सेशन होगा उसमें एक नई स्ट्रेटजी है वो तरतीब दी जाएगी। क्या आपको लगता है कि वजीर आजम जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को ये वाजे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए, मसनूई तौर पर जो कीमतें बढ़ाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि किसी किस्म का हम कुछ डिफरेंस देखेंगे, कोई प्राइस कंट्रोल जो है वो इंटैक्ट होता हुआ नजर आएगा, वो माहौल हमें मिलता हुआ नजर आएगा इसके बाद? देखिए, मैं समझती हूँ कि मीटिंग्स बहुत होती रहती हैं, इनकी कैबिनेट मीटिंग्स भी होती हैं, फिर इस महंगाई के ऊपर भी मीटिंग्स होती हैं, बातें भी बहुत होती हैं, स्टेटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन अभी तक किसी चीज़ के ऊपर कोई एक्चुअल रद्द अमल नहीं नज़र आया। ग्राउंड रियलिटी में, ग्राउंड पे जाके अगर आप देखें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि पिछला इनका जो एकदम एक प्लान आया था कि हमने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया, उसमें क्या हुआ कि वो एक मजाक बन गया गरीब आवाम के साथ, कि वो चीज़ें जो सस्ती थी वो इनकी मिनिस्टर ने ज़्यादा महंगी बता दी, कि ये हमने इनको ज़्यादा महंगा कर दिया है, आटा भी, चीनी भी, हर चीज़ भी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत देर से माफियाज की बातें करते हैं, बहुत कहते हैं कि हमने माफियाज को नहीं छोड़ना, पहले भी कहा करते थे, लेकिन अब तो ये खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, अब ये किसको कह रहे हैं कि माफियाज को नहीं छोड़ना, अब तो इन्होंने खुद नहीं ना खुद एक्शन लेना, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं नज़र आया। फिर ये आटा और चीनी का जो प्राइस का मसला हुआ था उस पर जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट इन्होंने बगैर पार्लियामेंट को दिखाए वापस कर दी, हालांकि पार्लियामेंट की ये था कि जी हमें वो रिपोर्ट दिखाएं, जो भी है, गलत है, सही है, जो भी, इट शुड बी शेयर्ड विद द पार्लियामेंट, बट इट वॉज सेंट बैक।